जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आप सभी को पता होगा CPL 2024 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो CPL 2024 में, तो इन तीन टिप्स को आप फॉलो करके देख लीजिए कि आपकी बहुत ही बेस्ट रिंग्स आने वाली हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो दोस्तों, तो यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख लो उसे रख लो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे प्लेटफॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर दोस्तों प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी भी प्लेयर का फॉर्म देखना चाहते हो तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर दोस्तों प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 मैच से 2 मैचेस में पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो ज़्यादातर आप मान सकते हो 5 मैच से एक आध मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ प्लेयर फॉर्म का। तो आप सभी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2024 देखोगे बहुत ही शानदार गया था। उसके बाद अगर आप बात करते हो वर्ल्ड कप 2024 की, जो आपके विराट कोहली की, तो याद रखना वर्ल्ड कप 2024 विराट कोहली का लगभग लगभग बहुत ही बेकार गया था। लास्ट मैच में ही उन्होंने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी वहाँ पर विराट कोहली का, तो वहाँ पर तीनों ही मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, याद रखना। सब सोच रहे थे पहले मैच में फ़्लॉप हो गए, सेकंड मैच में परफॉर्मेंस करेंगे, सेकंड मैच में फ़्लॉप हो गए, थर्ड मैच में परफॉर्मेंस करेंगे, थर्ड मैच में भी फ़्लॉप हो गए, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, याद रखना। अगर मैं यहाँ पर दूसरी साइड बात करूँ रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा का अगर आप IPL 2024 की याद करोगे तो इतना शानदार नहीं गया था, ठीक ठाक आप बोल सकते हो कंपैरिजन करोगे 2024 से तो, ठीक है, पर आप मान सकते हो मतलब कंपैरिजन करोगे रोहित और विराट की, तो रोहित शर्मा का फॉर्म इतना बेस्ट नहीं चल रहा था IPL 2024 में। फिर अगर आप बात करोगे वर्ल्ड कप T20 या वर्ल्ड कप की रोहित शर्मा की, तो वहाँ पर उन्होंने ठीक ठाक किया था, इतना बेस्ट नहीं परफॉर्मेंस किया था, पर उनका फिर भी फॉर्म लग रहा था, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ, तो उन्होंने तीनों ही मैचेस में 100% मतलब इंडिया की ओर से परफॉर्मेंस किया था, याद रखना। जब आपको ODI खेलना था वहाँ पर वो T20 खेल रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है, तो वो उनका फॉर्म चल रहा था, और इसलिए सब सोच रहे थे रोहित शर्मा ने एक मैच में परफॉर्मेंस कर दिया, दो मैच में परफॉर्मेंस कर दिया, थर्ड मैच में फ्लॉप हो जाएंगे, और वो थर्ड मैच में भी परफॉर्मेंस करके गए थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसलिए आपको प्लेयर्स का फॉर्म देखना है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा हम यहाँ पर मैं सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट दोस्तों एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी क्रिकेट की, तो आप विजन 11 पर खेल सकते हो। यहाँ ये एप्लीकेशन ना ही आपसे टैक्स लेगी, ना ही आपसे GST लेगी, और जो IPL के मैचेस होंगे दोस्तों यहाँ पर कम मेम्बर्स देखने को मिलेंगे, और जो फर्स्ट प्राइज़ आपको देखने को मिलेगा 1 करोड़ देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ सेकंड नंबर टिप की, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, मतलब फील्डिंग करना पसंद करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर कैप्टन टॉस जीत के बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, स्कोरबोर्ड आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर हाई देखने को मिलेगा। अगर स्कोरबोर्ड की याद करूँ कितना देखने को मिलेगा T20 में, तो याद रखना दोस्तों ज़्यादातर आपको 180 से प्लस देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ये 180 190 200 प्लस देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर होता है, ठीक है, और उसके बाद 6 नंबर 7 नंबर तक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो 3-4 नंबर पर जो भी ऑलराउंडर बैटिंग करने आता है तो उनकी बैटिंग जल्दी आएगी, तो अच्छे खासे आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, याद रखिएगा। आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं ऑलराउंडर, एक आपको बैटिंग करके, एक आपको बॉलिंग से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिचेस पर जो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में, ऑलराउंडर्स देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, बैलेंस पिच पे आपको स्कोर बोर्ड मीडियम देखने को मिलेगा। टी ट्वेंटी आई में अगर स्कोर बोर्ड कितना देखने को मिलेगा उसकी बात करूँ तो याद रखना दोस्तों, टी ट्वेंटी आई की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो याद रखना 160 से लेकर 180 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बैलेंस पिचेस पर, जो ज़्यादातर देखा जाता है 165-170 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहला दो टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं वो आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पार्ट फ्रेम बॉलिंग करते हैं, उसके हाथ ज़्यादातर बस में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं हैट्रिक्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बस में बॉलिंग करते हैं। आपने अगर मैं लास्ट हैट्रिक्स की बात करूं तो पैट कमिंग्स ने यहाँ पर वर्ल्ड कप 2024 में दो हैट्रिक्स ली थी, वो भी दैतावस में ली थी। जॉर्डन ने एक हैट्रिक ली थी, वो भी दैतावस में ली थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोई भी विकेट लेता है दोस्तों वो पेसर्स लेते हैं और दैतावस में लेते हैं, याद रखना। एक ओवर में दो दो तीन तीन विकेट गिर जाते हैं दैतावस में, वहाँ पर सेट होने का बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस पर, जो आपको टी ट्वेंटी आई में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा मीडियम, यहाँ पर लो देखने को मिलेगा, लो की अगर मैं बात करूँ कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको टी ट्वेंटी आई में बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पर 140 से लेकर 160 के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादा जो देखा जाता है 150-155 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं थर्ड नंबर टिप की बात करूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, क्योंकि अगर आप किसी कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो, तो अगर आप पाँच नंबर वाले को बनाने का सोच रहे हो तो फिर आप मत बनाना, क्योंकि उसके नीचे बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर होता है। अगर आप किसी 1-2 को बनाओगे तो बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ आप बैटिंग ऑर्डर, तो चलो फैंटेसी क्रिकेट में आप मतलब लाइनअप से पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये आप फैंटेसी क्रिकेट में कहीं से भी पता नहीं कर पाओगे कौन कहां पर बॉलिंग करेगा, ये कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। मतलब कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कितने ओवर करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर में बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर यहाँ पर देता बस में करेगा, आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नंबर से मैं आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बॉलिंग की याद करता हूँ, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कितने ओवर करेगा, ये क्या समझाऊँगा, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स है, एम का मतलब दोस्तों मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या यहाँ पर 6th ऑप्शन है अगर बॉलिंग का आज के मैच में, तो सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, तो फिर याद रखना ओपनिंग में वो 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर ओपनिंग में फिर वो 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 1 ओवर कभी कभार डालते हैं, याद रखना। अगर आप वर्ल्ड कप 2024 की बात करोगे तो वहाँ पर उन्होंने डेथ में बॉलिंग की थी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं एक और बॉलर का एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे भुवनेश्वर कुमार हैं, अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसे बॉलिंग करती थी, अभी यहाँ पर आपके SRS से खेलते हैं तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हाँ, आपके जो भुवनेश्वर कुमार हैं वो ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, मिडिल में कब ओवर डालते हैं, जब कोई बल्ला सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन उन्हें विकेट निकालने के लिए 1 ओवर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको एक एक ओवर का बताऊंगा कौन कहां पर कितने ओवर डालेगा, इसलिए याद से जुड़ जाना, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड डीएन आ चुका है, अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।